इस दुनिया में बहुत ऐसे कम स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम होगी, जिन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम कुछ भी पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा दिमाग कमज़ोर है। और हमारा तो मेन टॉपिक भी यही है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो आपका टाइम भी बचेगा और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और इसे हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु पूरी तरह नहीं कर सकते। जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और आपको पूरी तरह से दिमाग लाकर समझना है, तभी आप पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं। तो मेन टॉपिक है हमारा स्टडी लेस स्टडी गुड। सर विल फरेडो पैरेटो ने एक रूल दिया जिसे 80-20 का रूल कहते हैं। यह विश्व में हर वस्तु हर चीज़ पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि 20% एफर्ट हमारे 80% रिजल्ट में चेंज होते हैं। और बस 20% चीज़ों पर आप फोकस करते रहो और आपको 80% रिजल्ट इसी से मिलेगा। उन्होंने कहा 80% पेशावर ज़मीन 20% लोगों के पास है, और 80% क्राइम 20% लोग ही करते हैं, और 80% ट्रैफिक इस देश के 20% रोडों पर ही पाया जाता है। और हम 80% टाइम अपना 20% कपड़े पहनने में लगा देते हैं, और 80% एल्कोहल 20% शराबी पी जाते हैं, और 80% भोजन इसकी 20% ज़मीन पर ही पाया जाता है, और 80% बारिश केवल 20% बादलों से ही होती है। और यही नियम हमारे YouTube पर भी लागू होता है। 80% से ज़्यादा लोग तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही देखते हैं वीडियो को, तो अगर आप भी उनमें से क्या एक हैं, देखना कि आप भी हों। और यही रूल हमारी एग्जाम और पढ़ाई पर भी होता है। आपको सिलेबस का 20% आपको 80% दिला सकता है, तब आपको 20 इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकालना है और उनको पढ़ना है, और वही 20% आपको 80% रिजल्ट दिला सकता है। और यही 20% आपके पूरे सिलेबस का तो बहुत ही कम है, इसे तो आप मन लगा करके पढ़ सकते हैं। और आप उन चीज़ों को ढूंढिए जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वही आपका 20% आपको 80% दिला सकता है। अगर वीडियो समझ में आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें।